हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम आपको फेब्रिस्टाल टैबलेट के बारे में बताने जा रहे हैं। यह फेब्रिस्टाल टैबलेट क्या काम में आती है, किस कंडीशन में दी जाती है, इसकी एमआरपी क्या, साइड इफेक्ट क्या है, क्या कंपोजिशन इसमें मिला हुआ है, यह सब जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचेगी। मैं नरेंद्र सैनी, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नमो फार्मेसी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको फेब्रिस्टाल टैबलेट के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर कंपनी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, यह है एक्यूमेंटिस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। एमआरपी की बात करते हैं तो इसकी 1299 रुपए की पर 10 टैबलेट आपको आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर या फिर जहां पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसके पास वाले मेडिकल स्टोर पे आपको यह फेब्रिस्टाल टैबलेट मिल जाएगी। कंपोजिशन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, इसमें यूलिप्रिस्टाल एसीटेट 5 mg पर टैबलेट में मिला हुआ है। यह फेब्रिस्टाल टैबलेट क्या काम में आती है, किस कंडीशन में दी जाती है, किन्हें दिया जाता है, तो फ्रेंड्स यह ट्रीट यूटेरिन फेब्रियोइड्स के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। यानी यह यूटेरिन फेब्रियोइड्स के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड किया जाता है, यानी डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है। यह यूटेरिन फेब्रियोइड्स गर्भाशय में गैर कैंसर की यह गांठ होती है, जिसे ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा फेब्रिस्टाल लिखी जाती है। ए नॉन कैंसरस ग्रोथ इन द यूटरस, यानी यह कैंसर की ग्रोथ नहीं होती है फ्रेंड्स, यह गर्भाशय में वैसे ही गांठ बन जाती है, उस गांठ को ट्रीट करने के लिए फेब्रिस्टाल टैबलेट दी जाती है। वह भी प्री मेनोपॉज़ल वुमेन, जो महिलाएं जिन महिलाओं में मेनोपॉज़ल से पहले यह गांठ होती है यूटेरिन में, गर्भाशय में यह गांठ होती है, जो कैंसर की ग्रोथ की नहीं रहती, यानी कैंसर की गांठ नहीं रहती है, यह वैसे ही गांठ हो जाती है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए फेब्रिस्टाल टैबलेट डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड की जाती है। इसी के साथ में इट रिड्यूस्ड सिम्टम लाइक वेजाइनल ब्लीडिंग, अगर किसी के रिड्यूस सिम्टम लाइक वेजाइनल ब्लीडिंग एंड प्रोलोंग्ड पीरियड्स एंड लो बैक पेन में भी इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड की जाती है। इसी के साथ में फेब्रिस्टाल टैबलेट डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के आधार पे भी पेशेंट को लिखते हैं। अब बात करें डोज की तो फ्रेंड्स, इसकी एक टैबलेट डेली सेम टाइम विथ और विदाउट फूड, यानी खाने खाने से पहले या खाना खाने के बाद में सेम समय पे एक टैबलेट डेली दी जाती है, और इसकी डोज कम या ज्यादा डॉक्टर द्वारा पेशेंट के कंडीशन के आधार पे की जा सकती है, वह डॉक्टर डिसाइड करता है। इसी के साथ में अगर साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, कुछ पेशेंट को इससे अगर हेडक होती है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में एब्सेंस होती है, यानी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स रुक जाते हैं, यह भी इसके साइड इफेक्ट है। अगर किसी को ऐसा हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकता है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। और एक बहुत ही अच्छी ध्यान रखने वाली बात होती है फ्रेंड्स, पीरियड्स स्टॉप विद इन 10 डेज ऑफ टेकिंग इस टैबलेट को, फेब्रिस्टाल टैबलेट को अगर आप 10 दिन लेते हैं और 10 दिन बाद में आपके पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं तो यह सही कर रही काम वर्क कर रही है। अगर यह सही नहीं होते हैं, आपको पेशेंट को ब्लीडिंग रेगुलर आ रही है, तो अपने डॉक्टर से आप इसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हो, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हो, तो वह अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले जब उन्हें फेब्रिस्टाल टैबलेट लिखी जाती है। इसी के साथ में अगर किसी के लीवर प्रॉब्लम हो तो वह भी अपने लीवर के मॉनिटर करवाते रहें डॉक्टर से, जिससे उन्हें सही इलाज सही ट्रीटमेंट दिया जा सकते, क्योंकि इस टैबलेट से लीवर की प्रॉब्लम भी कुछ पेशेंट को देखने को मिली है। आशा करते हैं कि फेब्रिस्टाल टैबलेट के बारे में आपके सभी डाउट क्लियर हो होंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर फेब्रिस्टाल टैबलेट को आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इस टैबलेट को परचेज कर सकते हैं, या फिर जो ऑनलाइन साइट आती है गूगल पे, उनसे भी यह फेब्रिस्टाल टैबलेट आप परचेज कर सकते हैं, या फिर अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से भी यह टैबलेट मंगवा सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आने वाली सभी वीडियो
आप तक तुरंत पहुंचेगी। धन्यवाद फ्रेंड्स। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत।